उबाल आ चुका है, अब हम चमचम के पीसेस। दोस्तों पहले आप दूध लीजिए, गर्म दूध के अंदर विनेगर डालने से वो फट जाएगा। पनीर निकालिए, पनीर निकालने के बाद आप उसके अंदर एक चम्मच दो चम्मच आटा मिलाइए और फिर ऐसे रोल बनाइए। ये रोल बनाने के बाद आपका चमचम के लिए, ये देखो इतनी सारी यहाँ पर तैयार हो चुकी हैं। और उधर से आप चाशनी रख दीजिए, 2:1 का रेशियो। यहाँ चाशनी बन दिया, हमने कहा सूप पे रख दिया। ये चाशनी उबल चुकी है लगभग और हमारा ये तैयार है चमचम। चाशनी को उबाल आ चुका है, अब हम चमचम के पीसेस के अंदर डालेंगे। अब सारे पीस चाशनी के अंदर डाल चुके हैं, अब इनको उबलने दीजिएगा। उबाल के बाद थोड़ा सा ठंडा पानी ऊपर से मिला मिक्स करना होगा, जो हम बाद में करेंगे। चाशनी उबल रही है और ये जो हमने 10 मिनट का टाइमर लगाया था, 1 मिनट बाकी है। उसके बाद आप ठंडा पानी लीजिए और ठंडे पानी को धीरे धीरे आप धीरे धीरे ऐसे मिलाइए ताकि उफान बना रहे और पानी मिलता रहे थोड़ा 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 थोड़ा, इससे सॉफ्ट ज़्यादा होते हैं। ये देखिए दोस्तों, गर्मा गर्म चमचम तैयार हो चुके हैं। आप इनका कलर देख सकते हो, हल्का ब्राउन है क्योंकि हमने जो चीनी यूज़ की थी वो शुगर ब्राउन शुगर थी, जो हेल्थ के लिए अच्छी होती है। अब इनको कुछ देर के लिए फ्रिज में रख दो, उसके बाद ये खाने के लिए तैयार। थैंक यू।